हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियो देखी थी कि अब मैं गुलबर्गा आया हुआ था, कर्नाटका, जो कर्नाटका का एक जिला है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ जो सेडम रेलवे स्टेशन है गुलबर्गा का, तो वहीं हूँ। और अभी यहाँ से मेरी ट्रेन है, तो मैं अभी रेलवे स्टेशन के अंदर जाता हूँ, फिर वहाँ पर कुछ और बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगली जर्नी कहाँ की होने वाली है। तो चलो चलते हैं अंदर। अभी पहुँच चुका हूँ मैं सेडम रेलवे स्टेशन पर और इसके अंदर चलते हैं। रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ठीक ठाक है, यात्री सो रहे हैं फुल मस्ती में। खिड़की, टिकट घर, और ये मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, इन्हीं के साथ मैं सफ़र करने वाला हूँ। हम पांच जने हैं पूरे। अभी आ चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ से हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जो कि कोणार्क एक्सप्रेस है। तो इस सफ़र का शुरुआत हम जो सेडम है वहाँ से करेंगे। ये जो कोणार्क एक्सप्रेस है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन से चल के और भुवनेश्वर तक जाती है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी यहाँ पर, और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो चलते हैं ऊपर। चलो दोस्तों, आज मैं कोणार्क एक्सप्रेस से करवाता हूँ उड़ीसा की जर्नी। ट्रेन का नंबर है 11019। ट्रेन का यहाँ आने का टाइम 1 बजे का था रात को, लेकिन ये पूरा आधा घंटा लेट बता रही है, और ये यहाँ पर 1:30 पर आएगी। अब देखते हैं कितना लेट और होती है। फिलहाल चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ये सफ़र मेरे लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी उड़ीसा गया नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और काफ़ी अच्छी जगह है, फेमस है भुवनेश्वर, जो मंदिरों के लिए काफ़ी जानी जाती है। तो मैं अगर टाइम मिला तो वहाँ के बारे में कुछ बताऊँगा। फिलहाल चलते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। इस बार मैंने दोस्तों स्लीपर में टिकट करवाया, ना कि एसी कोच में करवाया है, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूँ कि जर्नी के अच्छे से आनंद लिया जाए। और स्लीपर कोच कैसा है इस ट्रेन का, क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में काफ़ी सुना है कि बहुत अच्छी ट्रेन है, कोई सुविधाओं का अभाव नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं स्लीपर कोच में जाता हूँ। तो अभी ट्रेन का वेट हो रहा है और रात तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। रेलवे स्टेशन इतना छोटा है दोस्तों सेडम का, कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ही नहीं है। मतलब अभी जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा खाली है, और इधर भी पूरा खाली है। यहाँ तक कि मेरे साथ आने वाले जो साथी है वो भी थक गए हैं और वहीं बैठ गए हैं, बस केवल ये एक भैया है मेरे साथ में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हो। काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है और वातावरण भी काफ़ी अच्छा है। रात का टाइम है यहाँ पे, गर्मी है लेकिन दिन में, लेकिन रात में ठीक ठाक हवा चलती है जिससे मूड लगा रहता है। तो अब ट्रेन का वेट कर लेते हैं, ट्रेन कब तक आती है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो अगर लाइक करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल पर, ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं अगली जो वीडियो काफ़ी जल्दी बनाऊँ। क्योंकि दोस्तों यार, मैं वीडियो काफ़ी लेट बनाता हूँ, किसी मेरे क्या है कि बहुत काफ़ी काम आ जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊँ। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि क्या मुझे डेली ब्लॉग बनाने चाहिए, तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगा। दोस्तों यार, 1:30 है रात की और ट्रेन अभी तक आई नहीं, और इस ट्रेन का आने का टाइम वैसे यहाँ पर 1 बजे का था, लेकिन अभी तक आई नहीं और 1:30 है पूरा। अब देखते हैं कितनी देर में आती है ट्रेन। वैसे ट्रेन रोजाना चलती है। फाइनली दोस्तों, लंबे इंतजार कराने के बाद में, इतना भी इंतजार नहीं कराया, लेकिन ट्रेन आ चुकी है हमारी कोणार्क एक्सप्रेस, जो हमें लेके जाएगी भुवनेश्वर उड़ीसा, और हमारा डब्बा है S4 स्लीपर। देखते हैं कहाँ आता है। यस, S4 भुवनेश्वर, चलते हैं अंदर। लाइट ऑफ है यार, लाइट ऑफ, लाइट। तो अभी आ चुका हूँ मेरा बर्थ पे, 59 नंबर जो मेरा बर्थ था, उस पर आके लेट चुका हूँ, और मेरे साथी भी लेट चुके हैं उनकी अपनी अपनी जगहों पे, मोबाइल चला रहे हैं अभी, आराम आके बैठे हैं। एक तो ये है, बाकी अंकल नीचे आराम कर रहे हैं और सब अपनी अपनी जगह सो रहे हैं, एक भाई ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि रात की बजने वाले हैं 2, क्योंकि अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, काफ़ी थक चुका हूँ। तो सुबह मिलते हैं, अब देखते हैं कहाँ नींद खुलती है, जहाँ नींद खुलेगी वहीं से अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट होगा।
लेट उठा हूँ यार, क्योंकि रात को लेट सोया था और चाय ले ली। अब मैं चाय पीने जा रहा हूँ। हमारे साथ में चाय का एंजॉय महेंद्र जी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। काफ़ी अच्छा पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि गर्मी वहाँ भी थी, यहाँ भी है। और इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम दोस्तों यहाँ पर 9:30 बजे का था, लेकिन ये ट्रेन पूरा यहाँ पर चल के आती है 10:35 पर, यानी कि अभी ही इसने रोका है। अभी हमें रुके सिर्फ 1 मिनट हुए हैं, और शायद इस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज 10 मिनट का है। तब तक हमें जैसे पानी की बॉटल्स वगैरह लेनी है तो ले लेंगे, और कुछ सोचते हैं नाश्ता वगैरह कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आने वाले स्टेशन हो सकते हैं छोटे हो, तो हम भरोसा नहीं रहेंगे, क्योंकि 10:30 बज चुकी है और कुछ खाया नहीं। सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। बात करूँ इस ट्रेन की तो कोणार्क एक्सप्रेस यहाँ पर 20 मिनट का होल्ड करेगी। और होल्ड क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को किया जाएगा डाइवर्ट। वैसे इस ट्रेन को 2 जगह पर लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, एक विजयवाड़ा में और दूसरा विशाखापट्टनम में। अगर बात की जाए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की तो ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है। दोस्तों खाने की बात करूँ तो मैंने इस ट्रेन की पेंट्री का खाना टेस्ट किया था, जो ठीक ठाक था। आप भी ट्राई कर सकते हो यहाँ का खाना। दोस्तों इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन का आने का टाइम यहाँ पर 3:50 था, लेकिन ये ट्रेन पूरी यहाँ पर 4:40 पर पहुँची, जो पूरा 1 घंटा लेट है। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उड़ीसा में आता है, और ये उड़ीसा का पहला रेलवे स्टेशन है। और इस ट्रेन का यहां पर पहुंचने का टाइम 8:15 था, लेकिन ये ट्रेन यहां पर 9:20 पे आती है, जो काफ़ी लेट है। चूँकि आपको पहले बताया था 1 घंटा लेट चल रही है। देखते हैं कि 11:20 पर भुवनेश्वर का टाइम है, वहाँ टाइम पर पहुँचाती है या नहीं। चलते हैं वापस। Thank you.
फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर और इस ट्रेन का पहुंचाने का टाइम यहाँ पर 11:20 था, लेकिन इस ट्रेन ने हमें पूरा एक घंटा लेट पहुंचाया, यानी कि 12:30 पर, एक घंटे से भी ऊपर। दोस्तों मैं भुवनेश्वर पहुंच चुका था और रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं स्टेशन से डायरेक्ट मैंने होटल की और होटल में आ चुका हूं। रही बात अगर मैं कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन की बात करूं तो यह ट्रेन पूरा एक घंटा लेट चली थी, या कहूं तो उससे 10 मिनट ऊपर ही। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह ट्रेन अपने समय से कितना लेट चलती है। रही बात ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन में काफ़ी साफ़ सफाई देखने को मिली थी। जो मेरा कोच था, मेरे कोच में समय समय पर सफाई होती रही थी, और कोच ही क्या, अगर वॉशरूम की भी बात करूँ तो वॉशरूम भी समय समय पर साफ होता रहा था। और मैंने इसका पेंटी का खाना भी टेस्ट किया था, मैंने दिन में भी लंच भी किया था और रात में डिनर भी इसी ट्रेन में किया था, तो काफ़ी अच्छा इसका खाना था और आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने कोणार्क एक्सप्रेस की जर्नी की और वहाँ से रेलवे स्टेशन बाहर आके मैं होटल आ गया था और काफ़ी थक चुका था और मुझे नींद आ रही थी, तो ब्लॉग नहीं बना पाया था। लेकिन अभी मैं मेरे रूम में और सुबह हो चुकी है, अभी मैं नहा लेता हूँ, और क्योंकि अभी हमें निकलने से पहले हमें लगी है भूख और हम कर रहे हैं लंच। लंच में मोनू ने ऑर्डर दिया है, देखते हैं क्या मंगाया। क्या मंगाया आपने? ये चपाती है, बटर मसाला है, मिक्स वेज है, जीरा राइस। ठीक है, फिर खाना खाते हैं। तो अभी हमने चेकआउट कर दिया होटल को और भैया बिल बना रहे हैं होटल का, और ये लेके चलेंगे अब सत्यवाड़ी, जो कि पूरी जगन्नाथपुरी के पास में पड़ता है। और यहाँ से फिलहाल हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर, क्योंकि सत्यवाड़ी की बस वहीं से मिलेगी।